ओम नमः शिवाय। दोस्तों, महाकाल की कृपा आप सबके ऊपर बरसती रहे, इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, इस चैनल पर आपको मिलेंगे पूजा पाठ व्रत त्यौहार से संबंधित सारी जानकारी। तो अगर आप लोग पूजा पाठ से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं हूँ दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाली हूँ अधिक मास के बारे में। अधिक मास में अमावस्या तिथि जो है वो कब पड़ रही है, किस दिन पड़ रही है और साथ ही साथ क्या नियम रहेगा, आज के वीडियो में बहुत ही डिटेल से बात जो है वो करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अधिक मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, ना ही नामकरण, ना विवाह, ना यज्ञ, न गृह प्रवेश, ये सारे कार्य जो है वो वर्जित बताए गए हैं। इस साल का जो महीना है वो अतिरिक्त पड़ेगा, एक महीना अतिरिक्त पड़ता है, ज़्यादा पड़ता है और इसी बीच में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं और इस महीने को अधिक मास या मल मास के नाम से जाना जाता है। अगर मैं बात करूं कि अधिक मास की अमावस्या जो है वो कब पड़ रही है, तो साल 2023 में अधिक मास की अमावस्या तिथि जो है वो 16 अगस्त को की जाएगी और अधिक मास की अमावस्या के दिन ऐसी मान्यता है कि इस दिन पितरों को जल देने से उन्हें तृप्ति मिलती है और इस दिन पीपल के वृक्ष में जो भगवान श्री हरि विष्णु है वो मूल में और तने में शिव जी और आगे भाग में ब्रह्मा जी का निवास होता है, अतः इस दिन पीपल के पूजन से सौभाग्य में वृद्धि होती है। अमावस्या के दिन पीपल की परिक्रमा करने का विधान बताया गया है, उसके बाद गरीबों को भोजन भी कराया जाता है। महाभारत काल से ही अमावस्या पर तीर्थ स्थलों पर पिंड दान करने का विशेष महत्व जो है वो बताया गया है। इस दिन 108 बार तुलसी की परिक्रमा करना चाहिए। अधिक मास की अमावस्या के दिन सूर्य नारायण को जल देने से दरिद्रता का नाश होता है। इस दिन जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है उन्हें गाय के दही और चावल को मिलाकर एक साथ खाना चाहिए, ऐसा करने से मानसिक शांति प्रदान होती है। पर्यावरण को सम्मान देने के लिए अधिक मास की अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने का विधान बताया गया है। इस दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व बताया गया है। जहां अमावस्या पर भूखे को भोजन कराने से शारीरिक परेशानियाँ दूर होती हैं, वहीं इस दिन सुहागनों द्वारा अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए व्रत रखने का भी विधान बताया गया है। तो आने वाली 16 अगस्त को साल 2023 में अधिक मास की अमावस्या पड़ रही है, आप लोग इस दिन पितरों का तर्पण कीजिए, दान पुण्य कीजिए, पीपल के या तुलसी के परिक्रमा जो है फेरे जो है वो जरूर लगाइए और गरीबों को भोजन करवाइए, जितना हो सके दान पुण्य कीजिए, गंगा यमुना जो भी आपके आसपास है उन पर स्नान कीजिए। ऐसा करने से जीवन में दरिद्रता जो है वो समाप्त हो जाती है और आपको जीवन में खुशियाँ जो है वो मिलनी प्रारंभ हो जाती हैं। तो जरूर कीजिए अमावस्या का व्रत, अगर करना चाहते हैं तो व्रत कीजिए, पूजा कीजिए, दान पुण्य कीजिए और अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता।